टू अनदर व्लॉग। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट का डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है। पहला, जब से घर पे आई है तब से काफ़ी ज़्यादा घर पे बाल 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 रहते हैं, इधर उधर छोटा मोटा कचरा वो बहुत ज़्यादा करती रहती है। सो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया कि वो बाल कैसे हम लोग हटा सकते हैं। सो उसका सोल्यूशन है ये प्रोडक्ट, जो कि है यूरेका फोर्ब्स का रोबो आईवैक। ये एक रोबोट है जो आपके घर को अच्छे से साफ कर देता है। सो क्विकली इसको हम लोग डेमो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और उसको कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है ये आपका मेन रोबोट है जो आपकी क्लीनिंग करता है। उसके बाद इसके ये चार पैर दे रखे हैं जो कि इसे राउंड राउंड घूम घूम के क्लीनिंग करते हैं। ये आपको मैं दिखाऊंगा कैसे इसको अटैच करते हैं। ये एक अटैचमेंट है जिसके अंदर यहाँ से आप इसको खोल के इसके अंदर पानी भर सकते हैं और ये आपका पोछे का काम करता है, मॉबिंग करता है। ये बैटरी मेरी है, यहाँ कंपनी ने नहीं दी है, ये मेरी बैटरी है। ये लगती है इसके इस रिमोट के अंदर जिससे ये रोबो ऑपरेट होता है। और ये है इसका स्टेशनरी चार्जिंग केस जिसको आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। रोबोट इस पर ऑटोमेटिकली आफ्टर 90 आवर्स या जब भी इसकी बैटरी ख़त्म होती है अपने आप वहाँ चला जाता है और ये डायरेक्टली चार्ज हो जाता है। ये है इसका अडेप्टर जो इसमें यहाँ पे साइड में फिट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ हम इसको देख लेते हैं इसको। अच्छा, और ये दो कपड़े भी आए इसके साथ में जो कि पोछा लगाते हैं। सो नाउ इसको हम क्विकली देख लेते हैं इसको असेंबल कैसे करना और इसके अंदर क्या क्या होता है। सो सबसे पहले ये जो रोबो है इस पर यहाँ पे इसका लाइट वाला बटन है, यहाँ पे एक आप एरो की देखेंगे जिससे आपका ये ओपन होगा। यहाँ से ओपन होने के बाद इसके अंदर एक और यहाँ पे एक कंटेनर टाइप का है छोटा सा, जिसके अंदर पूरा कचरा जो भी होता है वो पूरा इकट्ठा हो जाता है। इसको भी आप यहाँ से एक साइड से आप खोल सकते हैं। ऐसे इसको खुला, इसके अंदर एक और डब्बा होता है जिसके अंदर इसका कचरा पूरा इकट्ठा हो जाता है। इसको ऐसे निकाला दोनों तरफ से पकड़ के और जो भी यहाँ पे कचरा रहेगा उसको आप बाद में फेंक सकते हैं। सो इसको फिर से इसके अंदर डाला, बंद किया और फिर से यहाँ पे फिट कर दिया। तो ये हो गई पहली चीज़। नाउ हम इस रोबोट को कैसे चालू करना है वो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे उल्टा करिए, उसके बाद जैसे आपने इसको इस तरीके से रखा है, इसके जो चार पैर हैं इसमें एक में लेफ्ट है एक में राइट है। सो दो लेफ्ट है और दो राइट है, तो इसको आप ध्यान रखें कि आप किसको किस तरफ लगा रहे हैं। सो ये राइट वाला जो है, ये राइट वाला है, इसको मैं राइट साइड लगा देता हूँ। बहुत ही स्विफ्टली वो चला जाता है। ये लेफ्ट वाला है, इसको मैं मेरे लेफ्ट साइड लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर आप कभी गलती से लगा देते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा प्रेशर से अगर आप पुल करेंगे तो वो वापस से बाहर आ जाएगा। ध्यान रखिए बस इसकी जो ये थ्रेड्स हैं इसको पकड़ के नहीं खींचना है, आप इसका जो प्लास्टिक हिस्सा है उसको पकड़ के आप इसमें से बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे लग गए हैं दोनों पैर, मैंने उसका नाम पैर दिया है। नाउ अभी हम इसको वेट मॉप नहीं करेंगे, हम लोग इसको अभी सूखे से ऐसे लगाएंगे। सो इसको आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये हुक्स इसके दे रखे हैं और पीछे की तरफ आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक वेलक्रो टाइप का लगा रखा है जिसपे ये आपका कपड़ा अटैच हो जाएगा। सो कपड़े पे भी ऐसा वेलक्रो टाइप का दे रखा है और इस पर भी दे रखा है। सो इसको आप यहाँ ऐसे रखिए, ये कपड़े को आप यहाँ पे ऐसे लगाइए लाइन से और इसको ऐसे पुल करके आप ऐसे अटैच कर सकते हैं। तो ये पूरा कपड़ा इस पर अटैच हो जाएगा जिससे कि आपका पोछा लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें पानी नहीं भर रहा हूँ बट इसमें पानी भरेंगे तो भी काम करेगा वो। और ये जो ऊपर के हुक्स हैं इसको आप यहाँ पे ऐसे देख के इसमें डाल दिया और थोड़ा सा हल्के से प्रेस कर दिया। तो ये हो गया अपना रोबोट अब तैयार सफाई करने के लिए। पहला यहीं पे बैठी है, वो बहुत ज़्यादा इसको देख के हंगामा करने वाली है अभी। तो मैं इसको फटाफट से सीधा कर देता हूँ, ये इसको मैंने सीधा किया। अच्छा, पीछे एक और चीज़ देख लीजिए आप, इसमें ये जो ये टायर्स हैं इसके जो इसमें इसको चलते हैं, एंड ये आगे की तरफ जो एक है ये रोटेटिंग टायर है जो इसको डायरेक्शनली इसको मूव करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दिस रोबोट। इसको आपने ऐसे सीधे किया। अभी ये जो रिमोट इन्होंने दिया है, बैटरी मेरी खुद की है, दो इसमें बैटरी लगेगी छोटी वाली टू ऑपरेट दिस रोबोट। ये लगाया इसको इधर, इसको इधर लगाया, केस खा गया, ये केस इसका लग गया। अच्छा, एक ये ब्रश भी है जो बताना मैं भूल गया था, ये ब्रश जो अंदर हमने पूरा डस्ट वाला एक जो डक्ट निकाला था उसको साफ करने के लिए ब्रश भी है इसके साथ में।
और ये यूजर मैनुअल जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। सो इस प्रोडक्ट का जो मेन यूज जिसके लिए हमने इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है वो है हमारी मिस बेला। हाँ, ये है हमारी मिस बेला। मिस बेला के जो बाल हैं वो पूरे घर के अंदर फैले रहते हैं, जो कि नॉर्मली झाड़ू पोछे से एक बार निकल जाएगा, दो बार निकल जाएगा, बाकी वो दिन भर होते रहते हैं तो उसको बार बार नहीं निकाल सकते। बट देन ये प्रोडक्ट आने से जो बेला के छोटे छोटे बाल हैं वो दिन भर साफ होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अपने आप 90 मिनट्स तक चलता है, 90 मिनट्स के बाद फिर से ऑटो चार्ज हो जाता है वो, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि हमको बार बार उसको चार्ज करना है या डिस्चार्ज करना है। प्रोडक्ट का थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अपन लोग देख लेते हैं कि वो कैसा चलता है, कितना चलता है और क्यों चलता है। सो ये बॉक्स आप देखेंगे जो इसका बॉक्स है, इसमें साइड में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पे 18,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, 17,999, बट हमने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें ये मिला है वहाँ से 14,999 यानी कि 15,000 रुपीज़ में। ये जो है ये 15 वॉट का है, देन जो इसका रन टाइम है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स to 110 मिनट्स, तो आप मतलब डेढ़ घंटा करीब आपका ये चलेगा। फुली चार्ज इसका होने का टाइम है 3 से 4 घंटे, जो कि यहाँ पे मेंशन है 3 से 4 घंटे में ये फुली चार्ज हो जाता है। सो दीज आर ऑल द स्पेसिफिकेशंस, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सब कुछ मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी, हम इसको स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसको फटाफट से उठा के इधर नीचे रख देता हूँ। सो गाइस, इस रोबो का अपन लोग चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोने में इसका चार्जर यहाँ पे लगा दिया है, इसका स्विच ऑन है और यहाँ पे चार्जर है। इस पर आप देखेंगे तो ऊपर एक ब्लू लाइट छोटा सा जल रहा है। अभी जो रिमोट है, सो मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऑटोमेटिकली भी चार्ज हो जाता है, सो ये होम बटन अपन लोग दबा के देख लेते हैं। होम बटन दबाने से इसे वहाँ पर जाके चार्ज होना होता है। ये मैंने होम बटन दबाया और ये भाई साहब यहाँ से चलना स्टार्ट हो गए हैं। बेला मैडम उसको देख रही है। सो होपफुली वो उस चार्जिंग केस में ही जाएगा और वहाँ पे वो चार्ज हो जाएगा। मैं पर्दा हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे वहाँ पे। ये देखिए वहाँ जा रहा है बिल्कुल सीधे 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 और ये वहाँ पे सेट हो गया है, ये तो यहाँ पे वो चार्ज हो जाएगा। और तो ये बेला रानी है जो कि कचरा वैसे भी कर देती है यहाँ पे, बाकी अभी मैं कचरा कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये छोटे छोटे कचरे में इधर थोड़े थोड़े दूर दूर फैला देता हूँ ताकि आपको समझ जाएगा कि वो कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, इस रोबोट की एक खास बात और है कि अगर ये किसी सरफेस पे, जैसे मान लो मैं इसको इस टेबल पे ही चला देता हूँ, तो अगर ये टेबल पे नीचे कुछ भी नहीं है तो ये वहाँ से गिरेगा नहीं कभी भी, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है और डाउन ले लेता है। द रीज़न इज उसका जो आगे वाला जो टायर है वो उसमें हेल्प करता है। तो देखिए मैंने इधर इतना सारा कचरा फैला दिया है, पहला कचरा और कर रही है। सो इसमें रोबोट में आप ये वाला जो हिस्सा है इसको एक बार फिर से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे एक नीचे स्विच होता है, ये स्विच को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन किया, यहाँ पे इसकी एक बीप आएगी, इसको आप वापस से यहाँ पे लगा दीजिए। हाँ बेटा, तुम्हारे बाल साफ करेगा ये, ठीक है। तो बीप करेंगे, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक ये ब्लू लाइट सा जल गया है, इसको मैं ऐसे बंद कर सकता हूँ और ऐसे चालू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चालू हो गया हमारा रोबोट, इसको नीचे रखा हम लोगों ने। सो मैं इसको या तो यहाँ से भी चालू कर सकता हूँ या फिर वहाँ से भी डायरेक्टली चालू कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ऑन प्रेस करता हूँ, ये मैंने ऑन किया, वह चालू हो गया। देखिए अभी जो भी कचरा है वो अंदर देखिए पूरा साफ होता जा रहा है, पूरा कचरा उसने उठा लिया है अपने आप से नीचे का। बेला भी उसको देख के थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है कि वो कैसे साफ कर रहा है। बेला क्या है बेटू, क्या आ गया ये? अच्छा, और मैं इसको जो टर्न है वो इससे भी मैं इसको टर्न कर सकता हूँ, जैसे भाई यहाँ पे मैं लेफ्ट प्रेस किया तो लेफ्ट चला गया, फिर से लेफ्ट किया तो और लेफ्ट चला गया। बेला भी खेल रही है उसके साथ। फिर ये देखो, ये राइट किया, राइट किया, राइट किया, राइट किया, अभी ये दीवार से टकराएगा, अगर टकराता है या बेला से टकराता तो भी वो अपने आप से टर्न हो जाएगा। बेला इज हैविंग फन। बेला क्या है बेटा ये? हाँ क्या हो गया? देखो रोबो साफ कर रहा है, ये देखिए जैसे ही वो दीवार से टकराया वैसे ही उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो वापस से दूसरे रास्ते पे आने लग गया। ये देखिए जो भी कचरा उसके रास्ते में आ रहा है ये पूरा उठा लेगा। अच्छा, इसमें एक और फंक्शन है, अगर आप ये रिमोट देखेंगे यहाँ पे ये स्पॉट क्लीनिंग करके एक ऑप्शन होता है, तो अगर अभी जैसे वो चल रहा है वो पूरे घर में साफ कर रहा है वो, ठीक है। अभी अगर मैं स्पॉट पे क्लिक करूँगा तो वो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे सफाई करेगा। देखिए जैसे आपको डेमो दिखाता हूँ मैं, ये मैंने किया स्पॉट पे क्लिक, तो अगर उसी जगह पे कुछ ख़राब है, बहुत गंदा सा हो रहा है, तो वो उसी जगह पे ऐसे गोल गोल घूम के स्पॉट क्लीनिंग करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस रोबो। बेला डर रही है उससे, ठीक है। वो स्पॉट क्लीनिंग करा एंड देन फिर वहाँ से वो मूव हो गया। बेला इज हैविंग फन। बेला देख रही है क्या चीज़
चीज आ गई है घर के अंदर। हाँ बेला क्या है ये, क्या क्या अपने घर में, हाँ क्या है ये, देखो उसको क्या है वो, अरे तुम्हारे पीछे आ रहा है तो, अरे अरे तुम्हारे पीछे आ रहा है बेला, ये तो तुम्हारे पीछे पड़ गया है तो बेलू, क्या क्या है वो, क्या है वो बेला, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। बेला इसको ऑब्जर्व कर रही है कि ये सही से सफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर सही से सफाई नहीं करेगा तो बेला इसकी बैंड बजा देगी। गाइस इस रोबोट को हमने चलाया 1.5 घंटे तक, और उस 1.5 घंटे में इसने हमारे ड्राइंग रूम से बेला के इतने सारे बाल इकट्ठे किए हैं। सो नाउ आपको पता है कि कितना एफिशिएंट है और कितना अच्छा ये रोबोट है। सो मस्ट बाय गाइस, अगर आपके घर में डॉग्स हैं या कैट्स हैं या कोई और तरीके से आपके घर में कचरा होता है तो यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट। तो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई एंड एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेरीज, जो भी आपको समस्या है वो आप बता सकते हैं मुझे। एंड अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद दिस एज ऑलवेज टाटा बाय बाय।